फातिमा, फातिमा क्या कर रही हो? क्या मम्मा पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? क्या दोनों चीजें हैं। मतलब? मम्मा पढ़ाई कर रही हूँ और दुआएं पढ़ रही हूँ। दुआओं से याद आया? इधर देखो जमीन तरफ। आज तुम स्कूल में क्या किया था तुमने? मैंने क्या करना था मम्मा स्कूल में जाके? वही रूटीन, वही सब कुछ। मसलन घर से निकलते हुए मेरी बेइज्जती हुई, स्कूल पहुंच के भी मेरी बेइज्जती हुई, अटेंडेंस के बाद पहले लेसन में भी मेरी बेइज्जती हुई, दूसरे लेसन में जब पेपर की बारी आई तब भी मेरी बेइज्जती हुई, ये नहीं पूछ रही छुट्टी मैं। के बाद घर आने पे भी मेरी बेइज्जती का दुख ना बताओ, ये बताओ आज आप पेपर में क्यों रोई थी? आपको किसने बताया? बेटे मुझे तुम्हारी हर चीज की खबर है, मैंने तुम्हारे पीछे जिन छोड़े हुए हैं। बताएं पेपर के एंड में क्यों रोई थी आप? बस मम्मा ये क्या, आपको जिसने आपको ये बात बताई उसने यही बता दिया होगा कि मैं क्यों रोई। उसने ये भी बताया था कि कहती थी हाय मेरे दिल में दर्द हो रहा है। एक सवाल क्या तुम्हारा पेपर में छूट गया, तुम्हारे दिल में दर्द शुरू हो गया? छठी क्लास का 50 नंबर का पेपर नहीं है, पहले तो मुझे ये डिप्रेशन नहीं चाहिए। दूसरे ये कि टीचर कह रही थी सब बच्चे पेपर कर चुके थे, सिर्फ फातिमा का आखिरी सवाल रहता था तो मैंने पेपर छीन लिया। सही कह रही, सही कहा। ये आपको कौन सी मिस ने बताया? मुझे आप मिस की रिपोर्ट छोड़ो, आप मुझे ये बताओ इसमें कितनी सच्चाई है। हुआ क्या था? हुआ क्या था? मैं बताती। आज आपको पता है मैथ का पेपर था ना? हाँ। तो 50 नंबर का मैथ का पेपर था, मैं आखिरी सवाल पे पहुंची और वो आखिरी सवाल 4 या 6 नंबर, चलो ठीक है जितने का भी था, 10 का भी था, जितने 4 नंबर आप लगा लें, और उसी वक्त टाइम खत्म हो गया। ठीक है, और टीचर ने मेरा पेपर छीन लिया। तो टीचर ना छीनती, टीचर कह रही थी सारे बच्चे कर चुके थे, सिर्फ फातिमा का सवाल रहता था, और वो मुझे ये भी बता रही थी कि सब बच्चे पेपर मिलते ही शुरू हो जाते हैं और फातिमा पता नहीं क्या पहले पढ़ती रहती है। क्या पढ़ती हो तुम? मम्मा वो बच्चे जो है वो पेपर मिलते साथ ही लिखना 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 शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, साथ ही शुरू करना। मम्मा मेरी ये आदत नहीं है, मैं तो पेपर मिलते साथ ही बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। बिस्मिल्लाह पढ़े क्यों ना पढ़े, अल्लाह के नाम से शुरू करें, बस पेपर शुरू कर दें फिर। मम्मा दुआएं पढ़ती हूँ ना। कौन सी दुआएं? हम सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। ठीक है, अल्हम्द पढ़ती हूँ। ठीक है, जिससे बरकत के लिए, बरकत के लिए अल्हम्द शरीफ पढ़ती हूँ, अच्छी बात है। उसके बाद मैं 3 बार कुल पढ़ती हूँ। ठीक है, सूरह इखलास पढ़ती हूँ रहमत के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं 7 बार इन्ना अंजलना पढ़ती हूँ शफकत के लिए, रहमत के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, वो किस लिए? नजरे बद से बचे। ओहो, इतना हसीन पेपर होता है कि तुम्हें नजर ही ना लग जाए। लेकिन जब मेरा पेपर टीचर के पास जाएगा तो एज ऑलवेज अच्छा तो वो होगा, तो जब टीचर देखेंगे टीचर कहेंगे वाह जी वाह, तो मुझे नजर लग सकती है, तो इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़। और नजर तो बड़ी खतरनाक होती है। नजर तो बड़ी खतरनाक है, वो एक मशहूर लोग कहते हैं कि नजर तो ऊंट को भी सालन में ले जाती है, सालन तक पहुंचा दी। हाँ, तो तुम अपने पेपर को नजर से बचा ली। और उसके बाद क्या पढ़ती हो? उसके बाद मैं 4 कुल पढ़ती हूँ। ठीक है, सही है। तो 20 मिनट की तो तुम दुआएं पढ़ती हो, तो पेपर में तो फिर टाइम कम पड़ेगा। तो भाई ये दुआएं घर से पढ़ जाया करो। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, और रब्बी शराह ली पढ़ती हूँ, लंबी हाली दुआएं पढ़ती हूँ, और सूरह बकरा की आखिरी 4 आयतें पढ़ती हूँ। अच्छा, आखिरी 4 आयतें पढ़ती हो, तो आधा घंटा तो बेटा सिपारा पढ़ के गुजर गया। तो उसके बाद जब पेपर शुरू किया तो पेपर में टाइम कम पड़ गया। तो मम्मा मैं अब अपने अल्लाह को भी छोड़ दूं क्या? एक कागज अल्लाह को फजर के वक्त से उठ के सिपारे पढ़ो, तुम पेपर तक पढ़ो, पेपर के वक्त पेपर दो। मम्मा अगर मैं दुआएं नहीं पढ़ूंगी तो क्या गारंटी है कि मेरा पेपर अच्छा होगा? जितना तुम टाइम दुआएं पढ़ने में लगा रही हो ना, इतना अगर पढ़ने में लगा लो तो शायद काम बन जाए। मम्मा ये जो है ना, ये इसी से चल रहा है जो भी मेरा रिजल्ट और सब कुछ चल रहा है, ये पढ़ाई, ये एक कागज, ये कागज मेरा मुस्तकबिल डिसाइड नहीं कर सकता, ये कर सकता है। मेरी समझ से बाला तरो, तुम मेरी समझ से बाहर हो, तुम जो करना है करो, हाजन बीवी बन के तस्बीहां पढ़ती रहो, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, सुना तुमने? अम्मा आपने मेरा दाना घूम कर दिया, दोबारा से पढ़ लो, तुम तो हाजन बीवी हो, पूरे दिन पढ़ती रहो, और ये जो तुम्हारी साइंस है इसको छोड़ो, ये तो हो जाएगा, दुआएं तुम्हें पास करा देंगी इंशाल्लाह ताला।